दिल्ली में एक अफसर को उसके ईमानदारी की सजा मिली है। एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी का तबादला कर दिया गया है। उनका आरोप है कि एक बड़े बीजेपी नेता के कहने पर यह कदम उठाया गया है। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को जगाया, उसी मुद्दे पर एक अफसर अब बीजेपी सरकार को घेर रहा है। दिल्ली एम्स के सीवीओ यानी सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, दूसरी तरफ उनकी नाक के नीचे भ्रष्ट लोग सक्रिय हैं। दरअसल भ्रष्टाचार के कई मामलों का पर्दाफाश करने और उन पर कार्रवाई करने वाले अफसर संजीव चतुर्वेदी को सीवीओ पद से हटा दिया गया है। हटाए जाने के बाद संजीव चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और जो आरोप लगाए वो देखिए। एम्स के साथ जुड़ी एक लेडी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के चलते हटाया गया। निजी लेडी डॉक्टर डायबिटिक एक्सपर्ट है, जिन पर लगे आरोप को स्वास्थ्य मंत्री ने खारिज कर दिया। हिमाचल कैडर के एक आईएएस अफसर पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की, जिससे बीजेपी के एक महासचिव नाराज हो गए। संजीव चतुर्वेदी के ट्रांसफर को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी मंजूरी दी। सुनिए हर्षवर्धन का क्या कहना है। संजीव चतुर्वेदी यहाँ जिस पोस्ट पर काम कर रहे थे, उस पोस्ट पर काम करने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अप्रूवल के बगैर कोई भी उस पद पर काम नहीं कर सकता। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बहुत से सरकार करती हैं, चाहे ये सरकार रही हो चाहे पिछली सरकार रही हो। इसमें से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन पर हा हल्ला मचाना या इसको राजनीतिक रंग देना कतई ठीक नहीं है और जो लोग ये कर रहे हैं वो नागा नहीं कर रहे। आपको बता दें कि संजीव चतुर्वेदी हरियाणा कैडर के 2002 बैच के फॉरेस्ट अधिकारी हैं। केंद्र में भेजे जाने के बाद उन्हें एम्स का सीबीओ बनाया गया। जानकारों के मुताबिक अगर उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हटाया गया है तो यह गलत है, लेकिन उनकी नियुक्ति अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की सहमति के बिना हुई थी तो फिर मोदी सरकार को उन्हें हटाना ही था। अगर चीफ विजिलेंस ऑफिसर बिना सीवीसी की समिति के लगाया गया है तो गवर्नमेंट मजबूर है कि उसको हटा दे। अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंसिस्ट करती है कि इसको हटाओ। इस सफाई के बावजूद आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूकी। नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचारियों से मिली हुई है और भ्रष्टाचारियों के पक्ष में काम कर रही है। ये वो अफसर है जिसके बारे में खुद मंत्रालय ने कहा है कि आउटस्टैंडिंग काम कर रहा, जिसने कई भ्रष्टाचारों का खुलासा किया है। चतुर्वेदी की छवि हमेशा से एक ईमानदार अफसर के तौर पर रही है। जून 2016 में उन्हें रिटायर होना था, लेकिन उससे पहले ही उनका तबादला कर दिया गया। मोहम्मद अख्तर, इंडिया न्यूज़।